ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖਤਮ ਥਿੰਦਾ ਪੇ ਤੇ ਧਾਤ ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪੈਨ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਥੋਂ ਧਾਗੀ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਵੇਂਦੇ ਪੈਨ ਅਸਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਨੂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਇਥਾਂ ਧਾਵਣ ਦਾ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਘੰਟੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ 4 ਵਜਦੇ ਪੈਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਂਦੇ ਪੈਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ जी मेरी बेटी आपका एलिफेंट है देख तो लो इतने ज्यादा एलिफेंट है बिस्मिल्लाह सही सारे दोस्तों भिरावा को अस्सलामु अलैकुम उम्मीद करें ना सारे खैर खैरियत नाल होसो दोस्तों अज दा व्लॉग शुरू करें दे पे हां और मैच दी सूरत हाल तुहाडे सामने रह गई है हुण जनाब असा अच्छा दा लास्ट डे श्रीलंका च असा गड्डी करवाई हुई है क्यों जो सारी फ्लाइट वापस कोलंबो तू है और असा कैंडी च मैच देखण आया से स्पेशल हुण इथों गड्डी जेरी असा करवाई है असा इथों निकलसूं और असा वंजणे सीधा पहले इतना दो त्रै पॉइंट्स हैं बड़े खूबसूरत एक झील है लेक है और वो तो आपको विजिट करवे सू एक टेंपल है वो तो आपको विजिट करवेंदे हैं वाली में ही रस्ते तू घूमद फिरद सीधा असा इंशाला निकल वेसू कोलंबो हूँ गड्डी ते असा इतों अपना समान शमान बस रेडी करेंदे पे हैं समान पैक करते असा हिके फिर इतों निकलसूँ गड्डी समान रखते और रस्ते घूमते फिरद सीधा इंशाला कोलंबो पहुंच वेसू और कोलंबो च नाइट स्टे करेसू इंशाल्लाह आजो आमना जान आजो मेरी प्यारी बेटी और कोलंबो च नाइट स्टे करेसू आमना जानी पाकिस्तान वाले शर्ट च वधी है और नाइट स्टे तो बाद जरा है ना साड़ी सवेरे उत्थों रवानगी है 7 बजे इंशाल्लाह और आयशा दी फैमिली आयशा और भाई भाभी दी जेरी रवानगी है ना वो है 6 तारीख को ते ए भी इंशाल्लाह दो त्रै दिन बाद आवे सन क्यों जो ए लेट आए हैं असा पहले मालदीव चले गया से ए हुण मालदीव वे सन उत्थों वाले इंशाल्लाह वापसी करे सन लाहौर और असा इंशाल्लाह कल जरा है वापस अपने वतन अपने शहर लाहौर पहुँच वे सो अज भी जरा है ना मौसम इतना दा बड़ा ही ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों बारिश वक्फे वक्फे नाल जारी है हुण भावें बारिश थी वे भाई मैच आला था जरा काम थीवना हो थी गया ये देखो हुण भी बारिश थींदी पई है इत्थां और यह असल ज़्यादा लोग कहंदे पे हैं कि जदन पता है कि जगह मतलब वैदर का ओबियसली पता होंगे कि मौसम की क्या सूरत हाल उसे आगे नहीं आना मेरी जान इधर पानी है सारा और उनके बावजूद ऐसे मतलब स्टेडियम में मैच रखा गया ऐसे शहर में मैच रखा गया खैर जो थीवड़ा हाल तो ठीक है लेकिन मौसम इंतहाई खूबसूरत है शहर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है सामने देखो बदल पहाड़ दरख्त ग्रीनरी ग्रीनरी है जनाब और ये देखो ये जनाब बारिश अजन थींदी पई है और बस साड़ी गड्डी जरा है ना तले आवन वाली है तकरीबन आधे घंटे च असा बस रेडी हैं मैं रेडी थी गया बार रेडी थींदे पेन और उन्दे तो बाद इंशाल्लाह असा निकल वेसू कोलंबो वास्ते इसा जनाब रात तो बारिश का सिलसिला जारी है रात तो बारिश चलती पई है और असा नाश्ता ऑर्डर किया गड्डी वाला भी साडा आवन वाला है और नाश्ता भी साडा आ गए ते पहले नाश्ता जरा है ना घिनगी नू उत्ते वेंदे आ नाश्ता करेंदे आ और उंदे तो बाद जरा है ना वाला सा इंशाल्लाह निकलसू अल्लाह करे बारिश रुक वंजे क्यों जो असा दो त्रै पॉइंट विजिट करने और उत्था साकू जाहिर अगर बारिश होई तो वाला सा एंजॉय करना कर सकसू खास तौर ते बालां दे नाल अज नाश्ते जनाब लस्सी मंगवाइए कल जरा नाश्ता आया हा ना वो पराठे कोई बई तरह दे हन अज लस्सी नाल मंगवाइए ऑमलेट मंगवाए पराठे भाई ने अज जरा ना नाश्ता कोई अपना जिमें देसी नाश्ता होंगे ना ऊ तरह का नाश्ता लगता पे और क्यों जो हम अस सफ़र करने ते नाश्ता जरा अच्छी तरह कर गिन सू ना ये कला स्ट्रॉबेरी शेक अच्छा ये मैंगो शेक आमना और आयशा के लिए और अच्छा, ये बाकी लस्सियां अच्छा 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 सारी तैयारी थी गई है वैन सारी आ गई है तले खड़ी हुई है और ट्रॉली सारी उत्ते आ गई है सामान वास्ते लिफ्ट जेरी है सामान रख गई नू उंदे तो बाद बस असा तले वेंदे पए
और इंशाल्लाह अपना सफर शुरू करे सो। सब तो पहले जी असा आते रुके हैं कैंडी दी जामिया मस्जिद, कैंडी दी सब तो वड्डी मस्जिद है, इत्थे असा पहुंचे हैं। आजो आमना आजो आजो, ये देखो इतना प्यारा अल्लाह ताला का घर है और ये इन्हां दी जामिया मस्जिद है। वैसे असा दूसरा ब्याह मसाजिद भी इत्थे दिखे हैं, वो तो छोटे हैं, ये प्रॉपर जरा है ना वड्डी मस्जिद बनी हुई है। ये देखो मैं असल शॉर्ट्स पाते हुए निकर और मैं अंदर जाहिर बजना हूँ मुनासिब नहीं, तो मैं अंदर तो नहीं बज सकता लेकिन बाहर हूँ तो आपको मस्जिद विजिट करवाना। वैसे ही बड़ा खूबसूरत एरिया है, वाल इतनी खूबसूरत मस्जिद उनके बनी हुई है। ये इन मेन गेट एंड एंट्रेंस है, सामने हॉल नज़र आ पे, एक साइड से इतना वैन खड़ी है, इनके नाल लेडीज़ का प्रेयर एरिया है और इतों भी ये गेट खुले हुए हैं। सामने वजू खाना है और ये बड़ी खूबसूरत गाल होंगी है कि बंदा जाहिर है जिमें साढ़े पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, उन्दे च मुख्तलिफ मंदिर भी हैं, उन्दे विच गिरजाघर भी हैं और हर मज़हब का जाहिर है हर जगह पर हक होंगे। इवें ही ये नॉन मुस्लिम कंट्री है और इत्थे वाली इतनी खूबसूरत मस्जिद देखते वैसे ही रूह खुश थी गई है। ये देखो वो सामने जरा एक गिरजा नजर आ पे, ये देखो ये गिरजा है और टेंपल, क्यों जो इन्हा दा मजहब है ये बुद्धिस्ट हैं और इतना जरा मंदिर है ना इन्हा दे वो काफ़ी ज़्यादा हैं हर जगह पर, जिमें साढ़े हर गली मोहल्ले दू दू त्रै त्रै मसाजिद होंगे, इवें इन्हा दे इतना जरा टेंपल बहुत ज़्यादा हैं। बस असा इतना इवें रुके हैं मस्जिद देखने वास्ते, हम नैक्सट असं वेंदे पे एक सिटी व्यू है टॉप तो पूरा कैंडी शहर नज़र दे, उत वेसू वाल एक झील है, एक टेंपल है बड़ा खूबसूरत, उत वंजने ते बस थोड़ा थोड़ा टाइम हर जाते रुकते हुए असा इंशाल्लाह वाल कोलंबो वास्ते निकल दे। ए जनाब असा हुण आ गए हैं टेंपल, टुथ टेंपल, ए इन्हां दा बहुत मशहूर मतलब जिवें साडी कोई पुरानी मस्जिद वगैरह होंदी है ना, ए इन्हां दा कोई 500 साल पुराना टेंपल है और इंदा नाम है टुथ टेंपल। इत्थां जरा ना डंद हुंदा जरा इन्हां दा, मेरी प्यारी बेटी उंदा डंद इत्थां रख्या होया इन्हां दे जरे ओह जी कोई पूजा करेंदे जिंदे मूर्तियां वगैरह बनेंदे, तो उंदा जरा है ना ये उंदे नाँ तो ये टेंपल रखा हुए और काफ़ी ज़्यादा लोग इतना आते पे। अगर काफ़ी वड्डा है ग्राउंड है और अगर भी मैं वेंदा सर बारिश थी पई है। असा टेंपल तो थी तो हूँ आ गए हैं जनाब, एक खूबसूरत किस्म की झील है और काफ़ी वड्डी झील है, ये अगों दरख्त हैं और साढ़े को टाइम बड़ा थोड़ा थोड़ा ही है, असं बस इवें थोड़ी थोड़ी जगह पर रुक रुकते ना अगर वेंदे पे हैं और मैं अगर कोशिश करें तो आपको कुछ ज़्यादा अच्छा व्यू लेक का दिखावा, क्यों जो सारी गड्डी सारे नाल नाल है और टाइम थोड़ा ऐसा कोलंबो भी पहुँचना है और अजन काफ़ी सारे जगह विजिट करने। ये देखो जी बत्थां फिरदे पेन, काफ़ी वड्डी लेक है। हुण दोस्तों असा एक नवे पॉइंट पर आ गए हैं, ये देखो जनाब इतों पूरा कैंडी शहर नज़र आ पे, कैंडी व्यू पॉइंट है, ये देखो तले उ लेक नज़र दी पी जिस असा गया से, बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की जगह है, शहर पूरा ही बहुत खूबसूरत है बहुत, और मौसम ने मजीद ही को खूबसूरत किया, इतना असा बस रुके हैं तस्वीर वगैरह बनाए और बहुत खूबसूरत किस्म का व्यू आता पे इतों जनाब। ये देखो इतों असा आए हैं तले रोड तू और ये देखो दोस्तों उतों लेक्स लेक व्यू पॉइंट खेला पे सिटी व्यू पॉइंट जरा है ना टॉप उतों असा निकले हैं और वैन छोड़ असा वेंदे पे कोलंबो, लेकिन कोलंबो दे रास्ते ची एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पार्क है जितना हाथी हैं बहुत ज़बर ज़्यादा, क्यों जो हाथी इतना बहुत ज़्यादा है श्रीलंका च और इन्हा जरा नैशनल एनिमल है वह भी हाथी है, तो इतें ही बस होने रस्ते जरा ना एक पार्क आते पहले उतना वेंदे पे हैं वह बाला को विजिट कर वैसू और उन्दे तो बाद सीधा अस इंशाल्लाह कोलंबो निकल वैसू। ये जेरी जगह पर अस आए हैं जगह का ना है पिन्ना वाला और
टिकट सेंटर है, पहले इतों टिकट घिननी पौसे वाल बही साइड से सारे उन्होंने दसाए पार्क है जिथा हाथी वगैरह है और जिथा असा मंजने बाल और भाई होनी जरा गड्डी अच्छी वेट करें पेन और उन्होंने आखिर पासपोर्ट तो नाल चाहिए उसे टिकट गिनन वास्ते जरे भी इंटरनेशनल टूरिस्ट उन्हों का पासपोर्ट चाहिए होंगे है तो बस हम टिकट गिनते हैं पहले और उनके तो बाद बहने अंदर इतना अक्सर जगह पर तो कार्ड चल पे जरे भी अस पिज़्ज़ा हट से गए जिथा भी खाना खाधे या होटल पे किए उतना जरा कार्ड चल पा रह गया लेकिन इतना इन्होंने को कार्ड मशीन कहना है मैं ATM यूज़ कर रहा हाँ बस हम अंदर बहने टिकट्स गिनते हैं और वाल परली साइड पर जरा है पार्क है जिते समझना लेकिन टिकट ही साइड तो गिननी पोसे लो जी टिकटा गिन गए दिन आमना और हसन की टिकट कहना है आयशा की टिकट आई है $5 की और सारी चार टिकटा जरा है वह $10 की एक टिकट है तो बस हम परली साइड पर जरा है असं बहते पे हाँ और इतना भी है हाथी लेकिन ये वाला एरिया उन्होंने दसा है कि 3 बजे खुल से ते पहले जरा अस परली साइड से वेसू सॉरी 4 बजे खुल से 3 बजे से 10 मिनट थी पे 50 मिनट ये भी खुल वैसे घंटा तकरीबन है साढ़े को परला एरिया उतना झील जी बनी हुई है उन्दे वे हाथी वगैरह है पहले वो एरिया विजिट करे सू और उन्दे तो बाद वाल ई साइड पर आ सू ये बाहर दुकाना वगैरह बने हुए हैं जिमें सारे कहीं पार्क के सामने बाहर दुकाना वगैरह जाहिर होंगे मुख्तलिफ चीज़ा इतों मिलते हैं पेन। अच्छा दोस्तों इतना इवें है जो इतना हाथी जरा सामने दरिया है और दरिया के धा के वल उतना ऑरफेंज से वेंदे पे होंगे और असा हूँ जरा दरिया वाली साइड पर आ गए इतों हाथी जरा ये सामने हूँ धांदे पे और इतों धा के वल ऊ साइड से वेंदे 4 बजे इन्हों का टाइम खत्म थी वेंदे वल दरिया तो इतों गिनते उतना चले पे तो हूँ इतना वेंदे मैं तो जरा हाथी दिखेना ये देखो जनाब ये आ गए दरिया सामने वो सामने हाथी धांदे पेन और उतों निकलते पेन ये देखो सामने कितने ज़्यादा हाथी हैं ये हूँ इन्हों का टाइम क्यों जो खत्म थी पे तो धा तो इतों जरा है ना निकलते पेन ये देखो दोस्तों ये हूँ सारे जेरे भी हाथी हैं इतों धा तो दरिया तू और परली साइड पर जिथा इन्हों का जू बनया हुआ है ना जिथों असा टिकट की दी है उस साइड पर वेंदे पेन और बड़ा जबरदस्त किस्म की इंजॉय करने वाली जगह है बालों के नाल आमना बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगी पी आमना बाय कर दो एलीफेंट को जी ना इन्हें कर रहा है एलीफेंट ये देखो दोस्तों ये धवेंदे पेन उन्हों को प्रेशर वाला पानी है और ये क्यों जो अंदरों धाते निकले तो सारी मट्टी मट्टी है इन्हों के उत्ते और इतना हाथियों को एक दफा दवा थे वाल इतों दरम्यान तो सड़क ही चुगेनते सीधा सामने जू वाली साइड से गिन वे सन ये देखो ये हूँ मिट्टी इन्हों की लांधी पई है ये जी हूँ इन्हें इतों धाग ही दे और ये सारे हूँ परली साइड से सड़क पार वेंदे पेन असा भी हूँ उतना शायद दोबारा बनू हूँ इन्हों का टाइम होंगे इतना धावण का 2:30 बजे तू गिनते 4 बजे तक हूँ 4 बजते पेन हूँ सारे वेंदे पेन वापस अपने उतें जिथे इन्हों के पिंजरे हैं और जिथे इन्हों का पूरा निज़ाम बनया हो ना ये देखो ये हूँ ये धवेंदा पे बंदा इन्हों को ये हूँ इन्हों सारे धाग ही दे हूँ वेंदे पेन हूँ असा आ गए दूजी साइड से ये सारे हाथी भी इतना आ गए और हूँ इन्हों के खाने का टाइम है धावण तो बाद अगर भी काफ़ी सारे हाथी खड़े हैं ये देखो जनाब ये हूँ सारे हाथी इतना खाना खाते पेन उस सामने भी काफ़ी सारे हाथी खड़े हुए और इतने ज़्यादा हाथी जरा ना हिके जाते मैं पहली दफ़ा देखे वरना जरा जू एच बनो या संजत भी बनो उतना एक हाथी आते हमेशा लाहौर जू एच भी हिका हुआ पुरानी सूजी वधी है पता नहीं वो भी मर गई है हूँ कोई बे हाथी गिनना है और इतना जरा है काफ़ी ज़्यादा हाथी हैं देखो ये उहा जरा उतना धांधे पे हूँ इतना आ गए इतना ही इन्हों का नाइट स्टे होंगे जनाब और वल दीन दी इन्हों की उहा तरतीब होंगी है दरिया से वेंदे उतू धा तो वल इतना वापस आ वेंदे ये देखो जनाब बेहतरीन किस्म का इन्हों का खाना हूँ पत्ते छत्ते जो कुछ भी इनके सामने आया पे वो कु त्रोड़ तो जरा ना खाँदा पे ये देखो सूण के नाल हूँ अस इतों बाहर निकलते पे हाँ
और उस साइड तो एंटर थे इतना एक शॉप है जनाब इंदे विच मुख्तलिफ छोटे छोटे हाथी बने हुए हैं। ये देखो ये तले भी वालूहा और इतना वाल शर्ट्स वगैरह हैं उनके उत्ते भी ये देखो पिन्ना वाला श्रीलंका ये देखो लो जनाब हूँ असं दोबारा अपना सफर शुरू करें पे हैं कोलंबो की तरफ और ये रस्ते ही आ थोड़ा जहा सा साइड पर आना पे हूँ इतों इंशाला ढाई घंटे का सफर बाकी है और असं इंशाला सीधा कोलंबो पहुँच पे सो बस वैन पाते पे और रवाना थे पे जनाब मज़ा आए और बहुत प्यारा शहर है प्यारा मुल्क है श्रीलंका वाल कैंडी बहुत खूबसूरत है कोलंबो भी खूबसूरत है लेकिन कैंडी ज़्यादा खूबसूरत है। बहरहाल हूँ अस रवा दवा है जनाब अपने होटल की तरफ कोलंबो वनते रेस्ट करे सो क्यों जो सवेरे 4 बजे अस एयरपोर्ट पहुँचने 7 बजे की इंशाला साड़ी फ्लाइट है लाहौर वास्ते। फाइनली अस अपने होटल पहुँच गए हैं ना बड़ा औखा जहा है मैं याद तक रहना है रस्ते डिस्ट्रॉट और ये जनाब होटल है सामने अंदर बैंदे हैं रूम में चेक इन करेंगे और उनके तो बाद होटल बड़ा ज़बरदस्त लगता पे ज़रा होटल भी विजिट करेंगे और पहले पेट का कोई निज़ाम करना पोसे क्यों जो भूख लगी हुई है आमना सारा रास्ता सुती आई है हूने उठिए बिल्कुल होटल आते 8th फ्लोर पे सादा कमरा है 82 नंबर बड़ा बेहतरीन किस्म का रूम है जनाब और असा आ गए इतना साढ़े को 82 नंबर रूम है और भाई होनी को 80 बस असा जरा थोड़ा जा फ्रेश थींदे हैं और उनके तो बाद ना खाना शाना भी खाने हैं इतना बड़े ज़बरदस्त बिल्डिंग्स नज़र दा पे काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं जिमें पाकिस्तान कराची है ना हाई राइज बिल्डिंग्स उवें इतना नेड़े जरा है ना काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स नज़र दें पे और बैड भी इन्हों का जरा है ना किंग साइज बैड है बहुत अच्छा बेहतरीन किस्म का रूम है जनाब बस हूँ असा जरा फ्रेश थींदे हैं खाना शाना खाते हैं और वाल थोड़ा जहा इतें नाल बाहर कि अगर निकलना होया तो निकलते हैं क्यों जो टाइम कह नहीं टाइम नाल सुनसूँ से इतों तकरीबन 40 मिनट एयरपोर्ट का फासला आता पे और एयरपोर्ट जाहिर है असं पहुँचने कम अज़ कम इंशाला 4:30 बजे तक तो पहुँचना पोसे क्यों जो 7 बजे जरा फ्लाइट है इंशाला तो असा 3:30 पौने 4 बजे होटल तो इंशाला निकल वे सूँ विलॉग इतना ही एंड करें जनाब नैक्सट विलॉग थोड़े न कल शेयर करे सूँ अपना ढेर सारा ख्याल रखे सो वसेब के लोगों का ख्याल रखे सो अल्लाह हाफिज़।